morning dear students, welcome all of you in today's class. See, yesterday we have completed and we have also solved the exercise which lesson the evergreen. Okay, so we have completed and we have solved. Okay, so today we will see the poem The Swing. The Swing we have to take revision. Okay, so already we had completed the swings as well as the exercise also, but we have started the revision. I told you why, because we have started the revision. It is a beneficial for you, who the student who has missed their videos, those student who had missed the complete their exercises. Okay, so and see those who have students already completed their notebook and textbook, उनके लिए भी वो एक revision है ना. तो वो these student you have to check whereas correct or not. Okay, so let's start. See page number 19, the swings. Okay, swings में क्या दिया था. See warm up लेते, how many of you go to play in the park, मतलब कितने ऐसे लोग हैं जो park में जाते हैं. Okay, तो हम बोलते हैं कि all of them सभी जाते हैं. What do you have in your park, मतलब आपके यहाँ पे park है क्या, उसमें क्या क्या है. A seesaw, a swing, slide or the round bow. Okay, see which is your favorite. इन सभी में से आपका favorite कौन सा है, मतलब which is your favorite all of them. Who does not like to sit on a swing, मतलब जो भी आपके साथ बैठता है कौन सा ऐसा person है कि वो उसको नहीं अच्छा लगता बैठने के लिए और क्यों. You have to reason why. Okay, so let's start, let's read. How do you like to go up in a swing, up in the sky so blue? Oh, I do think it is a pleasant thing ever a child can do. See, in the first paragraph, in the first stanza, the poet is saying that how can we like to swing in the swing. Okay, when the swing goes up in the sky looks is very beautiful. Okay, so and the sky is so blue. Okay, as if the arm is touching the sky, as it is this scared in the swing. मतलब क्या बोलते हैं, ऐसी बहुत सारे ऐसे जो मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, बहुत सारे जैसे लोग हैं. When the our swings, जो अपना झूला जो रहता है, roller coaster जो रहता है, when it is a touch the sky, जब वो sky को touch करता है, इतना sky को नहीं, मतलब जब ऊपर जाता है, तो so many of just feel the pleasant thing, मतलब उनको उनके लिए बहुत ही ज़्यादा वो सुखद वाली रहती है ना. So oh, I think is a pleasant thing, ये बहुत ही ज़्यादा सुखद वाली चीज़ है. अच्छा है, तो ever a child can do, ये सभी जो बचपन में जो सभी child है, सभी बच्चे हैं, वो उसका आनंद ले सकते हैं. ओके, सी सेकंड स्टैंजा. अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल टिल आई कैन सी सो वाइड रिवर्स एंड ट्री एंड कैटल एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड. सी इन द सेकंड स्टैंजा द पोएट से दैट, द पोएट इज सेइंग दैट व्हेन सी स्विंग गोज द वॉल्स, जब हम झूले में बैठते हैं और उस टाइम में जब झूला ऊपर जाता है, कहाँ पे बोला है कि when swing goes from above the walls, जैसे ups and down जो जिस प्रकार से swing होता है, but जब swing ऊपर के नीचे जैसे wall है, see you just imagine it is not a board, it is a wall. When we are in a swing, when the swing is ups and down, when the swings is up, तो ऐसा लगता है कि ये दीवार के ऊपर से भी वो क्या हो रहा है, स्विंग हो रहा है, मतलब चढ़ रहा है. ओके, सो वन कैन सी एवरीथिंग फ्रॉम देयर, मतलब जो हम झूले पे ऊपर जाते हैं तो हम देखते हैं कि वाह, मैं तो ऊपर से आई कैन सी एवरीथिंग है ना. सी अगर हमारा रोलर कोस्टर जो हमारा स्विंग है, जो हमारा झूला है, अगर कहीं तालाब के किनारे, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे रहता है, उस टाइप पे अगर हम है, तो वी कैन सी द सी मीन समुंदर, वो देख सकते हैं ऊपर से कितना अच्छा. वी कैन सी ट्री, कैटल
है ना, बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स देख सकते हैं. अगर वो झूला इन द मिडल ऑफ सिटी, मतलब सिटी के बीचों बीच है, तो वी कैन सी द क्राउड इन द मार्केट, ऐसे मतलब देख सकते हैं ना. सो एज दीज आर, उसमें से क्या हम देख सकते हैं, एज दीज आर द रिवर्स, द ट्री, द गोट्स, कैटल, द पोएट कैन सी द होल साइड्स ऑफ द सिटी. मतलब व्हेन द स्विंग गोज टू अप, दैट टाइम वी कैन, मतलब वी कैन, इवन द पोएट कैन सी द होल ऑफ द कंट्री साइड. क्या देखता है वो, ट्रीज, गोट, ओके, कैटल, और जो भी रिवर्स है, ट्रीज है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिवर्स, ये दैट द थिंग्स द पोएट कैन सी. ओके, सी टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन, ग्रीन गार्डन, सॉरी गार्डन ग्रीन, डाउन ऑन द रूफ्स ऑफ ब्राउन, अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, अप इन द एयर एंड डाउन. सी इसमें पोएट ने क्या बोला है कि आफ्टर द पोएट सीन एवरीथिंग वेल swing goes up above the wall. So after that the poet is saying that the swing comes down. मतलब जब वो ऊपर जाता है तो उसके बाद obviously the swing is goes up. मतलब goes, sorry, comes down from the above. मतलब ऊपर से जब झूला नीचे आता है तो he can feel the smell. Sorry, small. He can feel the small green garden. There feels the spirit, there is a brown in color and after sometimes I go up and come down. मतलब वो क्या, जब झूला ऊपर रहता है तो पोएट को क्या लगता है, वहाँ वी कैन सी एवरीथिंग, लाइक कैटल, गोट, सब ही देखता है. बट वेन स्विंग्स कम डाउन, जब वो झूला, सॉरी, जब वो झूला नीचे आता है तब पोएट वॉट ही कैन फील, कि ही कैन टच, ही कैन फील द स्मॉल लिटिल लिटिल, मतलब जो भी छोटे छोटे जो गार्डन के जो हरियाली, ही कैन सी, वो देख सकता है. वो ये भी देख सकता है कि ब्राउन रूफ है वहाँ पे, है ना, यस, ब्राउन रूफ है, और ऐसा लगता है कि बस मैं अप एंड डाउन, अप मतलब मेरा झूला नीचे है, मैं देखूँ ऊपर जाए तो मैं सारी कंट्री साइड की सारी चीज़ें देख सकूँ. सो ओके, तो यहाँ पे जो पोएट है उसने बोला है, क्या बोला है, ही जस्ट एक्सपीरियंस हिज, what he experienced is a childhood when the poet, who is poet, Robert Louis Stevenson, okay, the poet Robert, when he was a child, he just experienced that time when he was a child. वो देख, मतलब और कैसा है, जब वो झूले में बैठता था, what that time, what he felt exactly, वो क्या क्या कर सकता था. So these all the experience he can told us, he can share with us, okay? So इसी प्रकार से ये swing poem है, okay? So look at the exercises, page number 20. See, first match the rhymes in the poem, one is done for you. अब see, there is a match, मतलब हमको correctly match करना है rhyme के साथ. सबको पता है rhyme का swing, ting, do, to, मतलब same रहना चाहिए, okay? See, swing को already दिया है things. Blue, it's a do. Then wall F का है all, obviously all fall, ऐसा करना है हमको राइट. Then white C, country side, okay. Green sin, brown and down, understood, okay. So यहाँ पे जो answers दिए हैं तो already वहां पे भी हमको लिखना है कि A का C, 2 का D, 3rd का it is the F, 4th C, 5th A and 6th B, understood, okay. Okay, so let's move on the exercise B. Complete the sentence. See, this is a very important portion. If you will ask in your exam, please complete the, sorry, it is not please, it is just complete the sentences you have to do. मतलब अगर exam में अगर आपको पूछा जाता है कि complete the following sentence और वहाँ पे दिया रहेगा the swings goes on, you have to write it down the correct answer in the sky. So that's why you have to learn by heart all the exercises, all the questions and answers. Okay, you just mother. The swings goes on in the sky. It is the most pleasant thing ever a child can do.
Understood? Okay. The child can see rivers, tree and cattle over the countryside. इस सब चीजें वो देखते हैं. कौन? The child. Okay. When she looks down, she can see green garden and brown roof. Understood? Then give the describing words used in the poem for the following naming words. हमको लिखना है जैसे sky. What is the sky? It is a color of blue. So that's why we have to put the color is blue. So blue sky. Okay. So then kya hai B? It's a garden. Obviously it is a green garden. Okay. Then roof. We have to know that the roof color is a brown. Okay. So river. River kaise rehti hai? It's a lambi chodi. So hum kya uske liye hai? Wide. W-I-D-E. It's a wide matlab. लंबी चौड़ी नदी. ओके. पेज नंबर 21. थीम्स एंड आंसर. विच लाइन इन द पोयम डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द स्विंग. ओके. तो आपको वो एक लाइन लिखना है कि जहां पे स्विंग का मूवमेंट हो रहा है. ओके. सो नेक्स्ट लेट्स लर्न ग्रामर. सी फाइंड द 10 नेमिंग वर्ड इन द पोयम. द फर्स्ट लेटर इज गिवन. ऑलरेडी वहां पे फर्स्ट लेटर दिया है. वी हैव टू रिकॉग्नाइज. यू जस्ट फाइंड आउट इन दिस द पोएम एंड यू हैव टू राइट इट डाउन. ओके. फर्स्ट है स्विंग. ऑलरेडी दे हैव गिवन अस. देन सभी के फर्स्ट लेटर दिए हैं. आफ्टर दैट फर्स्ट लेटर के आपको चूज करना है एंड आपको लिखना है. यू कैन राइट. ओके. एस का दिया है ऑलरेडी. स्काई. थर्ड का चाइल्ड. चिल भी बोल सकते हैं. चिल. एट्स डब्ल्यू वॉल. आर का रिवर्स. Trees. C for cattle. G for garden. R for roof. And A for air means hawa. Understood? Next. Abhi yahan pe diya. It's a common noun and proper noun. Already we have seen. We have discussed about the common and proper noun in the grammar questions. Okay. So once again we have to read out what is the common noun and what is the proper noun. Let's see. Let's see now. None of them are special names for the special people, place and things. They can be used for a place, person, things. They are called as common nouns. अभी और एक बार मैं बताती हूँ. जैसे हम बोलेंगे common nouns, वैसे student, this is a common noun. But particular when I know, I can call the particular name, the person who is sitting the all the students. जैसे रोहन, इट इज द प्रॉपर नेम. बट ऑल दी स्टूडेंट्स इट इज अ कॉमन. जैसे हम बोलेंगे ट्री. दीज ट्री. सभी ट्री है तो ट्री कैसा, मतलब पेड़ों को ट्री कैसे कॉमन नाम दिया है. बट पर्टिकुलर आई स्पीक आउट, आई स्पेल आउट विच वन. द बनियान ट्री, द बनाना ट्री, द मैंगो ट्री, इट इज अ प्रॉपर नेम, है ना. ट्रीज सब में क्या आएगा, इट्स अ कॉमन. बट पर्टिकुलर वेन आई टेक particular name of the tree like banyan, mango and banana, so that is a proper noun, hai na. Matlab sab pata chal gaya aapko, tree is a common noun hai. Lekin hum jab particular kisi tree ka, ped ka naam lete hai, jaise mango tree, to wo kya ho gaya, proper proper name. Samajh mein aa gaya what is the common and what is the proper noun. Good. Okay. So dekho proper noun mein kya diya hai. Special name for a special people, place or a things are called proper noun and their name start with the capital letters or capital letters. It is most important that when we are using the proper noun, when we are write the proper noun, we have to use in a capital letters. Please don't forget. It is just remember always. Okay. So see example diya hai. Mr. Bose, rivers, Ganga, the Himalayas and Kutub Minar. Isn't it? Good. Okay. So B. Look at the box. Which words in it will you begin in a capital letter? वहाँ पे दिया है हमको कुछ words दिए हैं. We have to write it down in a capital letter. Okay? Because we are discussing about the proper and common noun. Okay? So अभी हमको क्या लिखना है? कुछ names दिए गए हैं. कुछ names दिए गए हैं. We have वो कैसे दिए हैं? In a which one? Small letters में दिए. Oh sorry. हाँ. ठीक है. तो we have to convert into the capital letter, है ना? So सी वहाँ पे लिखेंगे अभी विक्रम. तो वी शुड बी इन अ कैपिटल लेटर. देन आगरा एक, इट इज अ प्लेस. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट इट डाउन इन अ कैपिटल लेटर. शुड बी मस्ट इन अ फर्स्ट लेटर इन अ ए.
Then Red Fort, Lal Killa, Sanjeev, the name is a person, Pepsi is a brand. है ना, पेप्सी जो हम पीते हैं, सो पी शुड बी ना कैपिटल. अंडरस्टूड? द फर्स्ट विक्रम, आगरा, रेड फोर्ट, संजीव, देन पेप्सी. अंडरस्टूड? गुड. देन सी, लुक, नो, गो, डू एंड सी द एक्शंस, वर्ड इन द ब्लैंक्स विद हिम. यहाँ पे एक पिक्चर दिया है, पिक्चर में वी कैन सी दैट द वन बॉय हु कैन स्टैंडिंग इन अ बालकनी. अंडरस्टूड? द बॉय हु कैन स्टैंड इन अ बालकनी. सेकेंड क्या है कि इट्स अ बोट. ओके, आई थिंक सी डॉग. यस, सी डॉग इज अ परसुइंग बाय द कैट. मतलब वो क्या कर रहा है, उसका पीछा कर रहा है, मतलब उसके पीछे भाग रहा है. ऐसे भी बोल सकते हैं डॉग इज अ कैचिंग द कैट. ओके, सी आई डू नॉट वॉन्ट टू वॉच टी वी. मतलब यू हैव टू फील, लुक, नो, गो एंड डू. मतलब ये जो वर्ड्स है जहाँ पे फिट हो रहे, वेयर दे रिक्वायर्ड, यू हैव टू पुट इन टू द फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, सो ऑलरेडी दे हैव गिवन अस द क्ल्यू लाइक द दोज वर्ड्स. सो दीज वर्ड्स वी हैव टू पुट वेयर द सेंटेंस रिक्वायर्ड. जहाँ पे बोला है यू हैव टू पुट. सी फर्स्ट में क्या आएगा, आई डू नॉट, मैं टीवी नहीं देखना चाहता, मुझे टीवी नहीं देखना है, मुझे नहीं लगता कि मैं टीवी देख सकता हूँ. I do not want to watch TV. Then you can see at a temple from the roof. तुम देख सकते हो टेम्पल का रूफ दिख रहा है. रूफ मतलब जो चोटी बोलते हैं ना. उसके बाद do you know where the kites is? आपको know मतलब पता होना, क्या तुझे पता है. He is asking question. See, do you know where the kids is? आपको पता है कि बच्चे कहाँ है. Then look at the dog. Dog को देखो. Look means देखना. Look at the dog. इट इज द चैसिंग द कैट. वो चैसिंग द कैट मतलब किसका पीछा कर रहा है, डॉग. देखो कि वो बिल्ली का पीछा कर रहा है. यू मस्ट गो एंड प्ले इन द पार्क. आपको जाना ही चाहिए. तो प्लीज मतलब यू मस्ट गो, जा और खेल पार्क में. हम बोलते हैं कि यू मस्ट गो, तुम जाओ और पार्क में खेलो. ओके, अंडरस्टूड? सी सो वी हैव टू कंप्लीट इट द 21. ओके, सो पेज नंबर 22 यहाँ पे दिया है कि लेट्स लिसन एंड स्पीक. सी थ्री आवर्स क्वेश्चन, मैंने बोला था आपको ये आपको करना है कि देखो वहाँ पे क्वेश्चंस भी दिए हैं एंड आंसर्स भी दिए. उसी बेसिस पे आपको थ्री सेंटेंस कंप्लीट करना है. जैसे आई एंजॉय, आई एंजॉय, आई एंजॉय, आई एंजॉय टू प्ले इन अ पार्क. हम लिख सकते हैं कुछ भी लिखो आप आई एंजॉय से, बट स्टार्टिंग विद अ एंजॉय. ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द पोयम द स्विंग. टुमारो वी विल सी द लेसन नंबर 23 द माउस टेल एंड आशो ऑफ द travel. Understood? So please you have to keep studying. Okay, so we will meet tomorrow. See you, bye bye.